हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका चटकारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए पराठे की बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं। सर्दियों के लिए स्पेशल पराठे की ये रेसिपी है, जिसे बड़े और बच्चे दोनों ही बहुत मन से खाएंगे। चलिए इसे हम बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है ये रेसिपी, आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसा पराठा आपने कभी नहीं खाया होगा। चलिए इसे हम बनाते हैं। पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ हरी मटर ली है, जिसे हमने बॉयल कर लिया है, बॉयल आलू लिया है, गाजर और मूली को हमने कद्दूकस कर लिया है, यहाँ प्याज हमने लिया है, प्याज को बारीक काट लिया, और फूल गोभी जिसे हमने बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम पराठे की स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, जीरा और कसूरी मेथी लिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी, इसमें हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में जीरा डालेंगे। जीरा चटकने के बाद इसमें हम अदरक और लहसुन डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें हरी मिर्च डाल के अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें हींग डालेंगे। अब इसमें हम प्याज डाल के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज के साथ ही हम इसमें फूल गोभी भी डाल देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे फूल गोभी अच्छे से पक जाए। गोभी और प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम उबले हुए हरी मटर को डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हम यहाँ कुछ सूखे मसाले डालेंगे। मसालों में हमने यहाँ लिया है फ्रेंड्स, नमक, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाला। इन सभी मसालों को हम कढ़ाई में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए कवर करके 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। अब इसमें हम उबले हुए आलूओं को डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले और आलू अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। सर्दियों के मौसम में पराठे सबके फेवरेट होते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। आपको पराठे की ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल यूनिक रेसिपी हम बता रहे हैं। मिक्सचर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है, तब तक हम आटे का डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने गेहूं का आटा लिया है। पराठे को और भी टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ थोड़ा सा बेसन लिया है। इसे हम आटे में मिक्स करेंगे। इसके साथ ही इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे, नमक। अब इसमें हम अजवाइन डालेंगे, जिसे हम हाथों से हल्का क्रश कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पराठे को और भी यूनिक और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे। पानी के जगह फ्रेंड्स हम यहाँ गाजर और मूली, जिसे हमने कद्दूकस किया है, ये डालेंगे। गाजर और मूली में पानी की मात्रा इतनी होती है, जिससे कि हमें आटा गूंथते टाइम पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही इसमें हम हरी धनिया भी डालेंगे। सर्दियों के मौसम में बहुत सारी हरी सब्जियां और ताज़ी सब्जियां मिलती हैं। अक्सर बच्चे हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं फ्रेंड्स। आप इस तरीके से पराठा बनाकर खिला सकते हैं। बड़े और बच्चों सभी को ये पराठा बहुत पसंद आएगा। बच्चे बहुत मन से ये पराठा खाएंगे और आपसे रोज ही ये पराठा बनाने की डिमांड करेंगे।
यहाँ हमने आटे की एक लोई बना ली। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भर के हमने इसे तैयार कर लिया। अब इसका हम पराठा बेल लेंगे। पराठे पर हम दोनों साइड से ऑयल लगा के अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे इस पराठे की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी ये पराठा लगता है। सभी पराठों को फ्रेंड्स हम इसी तरह सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे पराठे हमने ऐसे तैयार कर लिए। एक पराठा हम आपको बीच से काट कर दिखा रहे हैं। कितनी बढ़िया इसकी स्टफिंग अंदर देखिए आपको दिखेगी। बहुत ही बढ़िया ये पराठा लगता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में बनाइए। बहुत ही टेस्टी और यूनिक पराठे की ये रेसिपी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।